गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग सोनी WF-XB700 वायरलेस हेडसेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैंने ये TWS इसलिए परचेस किया क्योंकि ऑडियो के मामले में सोनी एक काफ़ी रिलायबल ब्रांड है और इसके अंदर हमें एक बड़ी बैटरी तो देखने के लिए मिलती ही है, साथ ही में ये वाटरप्रूफ भी है। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो बॉक्स के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 12,000 रुपीज़, पर आप इसको अमेजोन से अराउंड 8,000 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। चलिए जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। जो पैकेजिंग है वो डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम है, सोनी आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, पर जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले हमें कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने के लिए मिलती हैं, तो बेसिकली ये कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में है। चलिए जल्दी से हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और कंटेंट्स को चेक कर लेते हैं। अगर मैं सोनी ब्रांड के बारे में बात करूँ तो सोनी एक जापानीज ब्रांड है और ये काफ़ी रिलायबल है। काफ़ी टाइम से सोनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता है और ऑडियो डिपार्टमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे TWS देखने के लिए मिलते हैं। ये नॉर्मल से थोड़े बड़े साइज़ के लग रहे हैं, पर जो इनका कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पर ऊपर सोनी की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिलती है और अगर आप कैमरे में ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके ऊपर हल्का सा मैट टेक्स्चर है जो कि इसको काफ़ी अच्छी फील प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ में हमारे पास है इसकी लिड जिसके ऊपर सोनी की ब्रांडिंग है और जो इसका टॉप कवर है ये एक्चुअली ट्रांसलूसेंट है, तो आप इसके आर पार देख सकते हो। सोनी ने इसको ट्रांसलूसेंट इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि जब आपके TWS अंदर चार्ज होंगे तो आप उसकी LED को कवर बंद होने के बाद भी देख सकते हो। ये काफ़ी इनोवेटिव चीज़ है। ओवरऑल जो केस है इसकी क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, हाथ में पकड़ने में ये काफ़ी स्टर्डी फील हो रहा है। ये नीचे की तरफ से काफ़ी हैवी है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इसकी बैटरी है, वो ऊपर की तरफ से काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पर रखते हो तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, काफ़ी डिसेंट है। 9 घंटे का लिसनिंग टाइम आपको इंडिविजुअली TWS से मिलने वाला है और आप इसको दोबारा केस के अंदर रख के अगले 9 घंटे के लिए भी चार्ज कर सकती हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 रुपीज़ के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप ये TWS प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 10,000 रुपये के अंदर अगर आप TWS को देख रहे हो तो आपके पास दो ही अच्छे ऑप्शन हैं। सबसे पहले हैं सोनी के ये TWS और दूसरे हैं सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्लस, वो भी अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। बॉक्स के अंदर हम लोगों को कुछ ईयर टिप्स देखने के लिए मिलती हैं और एक है टाइप सी केबल। ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट में आपको माइक्रो USB नहीं मिलने वाला, टाइप सी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन TWS के अंदर हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए नहीं मिलते। जिस प्राइस कैटेगरी पे आते हैं वहाँ पर हमें ANC और वायरलेस चार्जिंग सोनी को देना चाहिए था, पर सोनी ने उनको प्रोवाइड नहीं किया है। अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी की तो इन TWS की जो साउंड क्वालिटी है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। जब आप इनके अंदर गाने सुनोगे तो आपको फील होगा कि आपने इसके लिए प्रीमियम पैसा दिया है। हालांकि इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल TWS से थोड़ा बड़ा है, तो आपको ये अपने ईयर्स में थोड़े अनकम्फर्टेबल लग सकते हैं। आप लोगों को ईयर टिप्स देखने के लिए मिलती हैं जो कि लार्ज हैं, स्मॉल है और एक्स्ट्रा स्मॉल है। मीडियम आपको पहले से TWS के अंदर देखने के लिए मिलने वाली हैं। आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग टिप्स को चूज़ कर सकते हो और परफेक्ट टिप चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट टिप अपने ईयर के हिसाब से चूज़ करते हो तो आपका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। इन TWS के अंदर हमें कोई भी टच सेंसर देखने के लिए नहीं मिलते। आपको बॉटम साइड में एक बटन देखने के लिए मिलेगा जिनसे आप कुछ बेसिक फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। इन TWS के अंदर कुछ ज़्यादा कस्टमाइज़ करने के लिए नहीं है, इसलिए जो सोनी की हेडफोन वाली एप्लीकेशन है आप उनसे इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। जो पेयरिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आप जैसे ही इसको इसके केस से निकालोगे ये तब तक आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाएंगे, चाहे आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हो या फिर आईफोन। पेयरिंग लिटरली काफ़ी ईजी है और जो मैग्नेट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको एक बार केस के अंदर रख देते हो तो आप लोग देख सकते हो ये केस में से निकलते नहीं हैं। केस में रखते ही चार्जिंग शुरू हो जाती है और आप LED इंडिकेटर देख सकते हो। लिड लगाने के बाद भी आप LED इंडिकेटर को देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको एक LED इंडिकेटर केस के ऊपर भी देखने के लिए मिलता है जो कि बेसिकली तब ब्लिंक करेगा जब केस की बैटरी काफ़ी कम है या फिर तब जब आपने इसको चार्जिंग पर रखा हुआ है। चलिए अब मैं आपको इसकी पेयरिंग भी एक बार करके दिखा देता हूँ। ये है मेरा iPhone 11 और अब आप लोग देखिए इसकी पेयरिंग कितनी फास्ट होती है। जैसे ही TWS को मैं केस के अंदर से निकाल के अपने ईयर्स में लगाऊंगा तब तक ये मेरे iPhone से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हो ये मेरे iPhone के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में दिखाऊं तो सोनी WF-XB700 यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली ब्लूटूथ 5.0 के साथ जो पेयरिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हालांकि
अगर आप एक iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपको एयरपॉड्स वाली एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलती, पर जो पेयरिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली क्योंकि ये ब्लूटूथ हेडसेट है तो इनके अंदर आपको थोड़ी लेटेंसी भी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप एक प्रो गेमर हो तो आप इनको कंसीडर मत कीजिएगा, उसके लिए आप वायर्ड हेडसेट की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप म्यूज़िक का शौक रखते हो तो डेफिनेटली ये TWS आपके लिए बनी है। ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और इनका जो मॉडल नंबर है वो है XB। XB का मतलब है एक्स्ट्रा बेस, तो डेफिनेटली इन TWS के अंदर एक्स्ट्रा बेस भी प्रेजेंट है। अगर आप हिप हॉप सॉन्ग्स या EDM सॉन्ग सुनते हो तो आप उसको फील कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ये वाटरप्रूफ भी है, जिसकी वजह से आप इसे जिम के वक्त भी यूज़ कर सकते हो। वाटरप्रूफ है इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें पहन के स्विमिंग करने लग जाओ। ये सिर्फ IPX4 रेटेड है, यानी कि आपको अगर हल्का फुल्का स्वेट आता है तो उनसे ये आराम से बच जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप इन TWS का कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।